ये रहा इलेक्ट्रिक पोल, हमारा इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड तैयार हो रहा है। तो दोस्तों हमारा पैनल बोर्ड तैयार हो चुका है और ये रहा हमारा जनरेटर। और ये रहे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये रही हमारी न्यूट्रल लिंक और अर्थिंग लिंक। और ये रहे हमारे थ्री फेस इंडिकेशन। और ये रहे हमारे पैनल बोर्ड के लिए एमसीबी। ये रहा हमारा सिंगल फेस इलेक्ट्रिक मीटर। ये रहा और एक मीटर। और ये रहा और एक मीटर। तो दोस्तों हम ये तीन घरों के लिए थ्री फेस को हम डिवाइड करेंगे, जो 3 मीटर है, 3 फ्लोर 3 घरों के लिए। और ये रहा हमारा बस बार। ये रहा हमारा फेस रेड येलो ब्लू न्यूट्रल। और ये रहा हमारा चेंज ओवर। तो दोस्तों हमने जनरेटर को और इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने चेंज ओवर लगाया हुआ है, करंट जाने के बाद मैन्युअली हम ऑपरेट कर सकें। ये रहा हमारा फेस जो कि बस बार की ओर, ये सेकेंड फेस, और ये रहा हमारा थर्ड फेस बस बार की ओर। और ये रहा हमारा न्यूट्रल। और ये रही हमारी अर्थिंग जो कि पैनल बोर्ड के लिए, जनरेटर के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए कॉमन रहेगी। बॉडी ग्राउंड। और ये रहा दोस्तों हमारा थ्री फेस इंडिकेशन का सर्किट्स जो कि रेड रेड के लिए कनेक्शन हो गया, ब्लू ब्लू के लिए कनेक्शन हो जाएगा, और येलो येलो फेस पे कनेक्शन हो जाएगा, और न्यूट्रल तीनों को कॉमन रहेगा। तो अब तीनों मीटर से फेस न्यूट्रल कनेक्शन होएगा, रेड फेस येलो फेस न्यूट्रल ब्लू फेस। इस तरह से सर्किट डिवाइड करेंगे हम तीनों घरों के लिए। 3 फेस पे लोड हम डिवाइड करेंगे। रेड फेस मीटर से चेंज ओवर के लिए और येलो फेस मीटर से चेंज ओवर के लिए और ब्लू फेस मीटर से चेंज ओवर के लिए। और मीटर से न्यूट्रल जो है हमारी डायरेक्ट एमसीबी को कनेक्शन हो जाएगी। देखिए इस तरह से अब हम चेंज ओवर से एमसीबी को कनेक्शन करेंगे। तीनों फेस हमने चेंज ओवर से कनेक्शन कर दिए हैं और अब हम जनरेटर से 3 फेज लाइन चेंज ओवर की ओर कनेक्शन करेंगे। ये रहा हमारा रेड फेस और येलो फेस और ब्लू फेस। न्यूट्रल हमारी जनरेटर से और केईबी से न्यूट्रल हम लोड पे लेके आके कनेक्शन करेंगे। और ये रही है हमारी सेपरेट सर्किट जो कि एक होम के लिए फेस है, और ये रही हमारी न्यूट्रल एमसीबी के लिए। फेस एमसीबी के लिए लूप हो जाएगा और न्यूट्रल न्यूट्रल लिंक के लिए चला जाएगा, और अर्थिंग अर्थिंग लिंक के लिए। और ये रहा हमारा सर्किट्स जैसे हॉल बेडरूम किचन, इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम 3 फेस सर्किट को डिवाइड करते हैं। आर वाई बी 3 फ्लोर के लिए 3 फेस इस तरह से डिवाइड करते हैं और जनरेटर से इस तरह से चेंज ओवर के लिए कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।